सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप अक्सर जानते हैं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आपके सवाल के बारे में, उसकी मैं कोशिश करता हूं आपके आंसर करने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश करता हूं। इसी तरह दूसरी सर्विस है जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और जो आपकी काउंसलिंग करता हूँ, कई तरह से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, जैसे भी करके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं बात करूँगा अपने सब्सक्राइबर के एक सवाल के बारे में। दरअसल कहूँ तो ये आज कोई सवाल नहीं है, बल्कि उन्होंने बस एक लिखा था अपने एक कोई सी वीडियो के नीचे वो कमेंट। मैं आज अभी रात के 2 बजने वाले हैं, मैं उस कमेंट को पढ़ रहा था, क्योंकि अक्सर जब मुझे टाइम मिलता है और जब मुझे ऐसा लगता है कि आपके कमेंट पढ़ने चाहिए तो मैं पढ़ता हूँ। तो आज मुझे उनका एक कमेंट मिला और मुझे अंदर एक ऐसी करुणा जागी, क्यों ना इनके बारे में बात की जाए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ जितने भी लोग आप मेरे इस परिवार से, प्राचीन कहानियाँ परिवार से जुड़े हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों की यही पीड़ा है। लेकिन बस किसी के कोई परिजन गए हैं, किसी के कोई गए हैं। तो आज जिस शख्स के बारे में बात करूँगा, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, इससे पहले मैं आपको कुछ उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि वो भी आपकी तरह जुड़े हुए हैं मुझसे और उन्होंने कमेंट किया, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो आपको दिल को भी चीर देगा। यानी कि जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी सफरिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसको मैं तो समझ सकता हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग समझोगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप में से भी सारे लोग उसको समझ जाएंगे कि जब भी हमारे साथ में इस तरह का फेज आता है तो हम किस तरह से उसके बारे में व्याकुल हो उठते हैं और किस तरह से हम उसमें उलझ जाते हैं, और जो हमारे एक लाइफ का जो पर्पज़ रहता है हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा एक ऐसे अंधकार में चले जाते हैं जिस अंधकार का पतन होने का कोई नाम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बहुत मदद करने वाले हैं सौरभ जी, और आपकी तरह जो दूसरे लोग हैं उनकी भी। और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या पूछा है मुझसे, या हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स के नीचे उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले उनकी इतनी बहुत हार्ट टचिंग उन्होंने लाइन लिखी है, जो एक सॉन्ग की लाइन है, और अक्सर ये उसी समय हम गुनगुनाते हैं जब भी कोई हमारा परिजन हमसे दूर चला जाता है। तो मैं उनको भी पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा है देश, जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए। मैं रियली सॉरी बोलता हूँ, देखिए मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ जो भी उन्होंने लाइनें लिखी हैं उस लिरिक्स को पढ़ने के लिए। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं गा के इसमें कुछ करूँगा, लेकिन मुझे गाना नहीं आता, तो जो भी मुझे आता मैंने कोशिश की है। इसके आगे मैं अब उनका सवाल लेता हूँ कि जो भी वो मुझसे बता रहे हैं, जो अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं, इनका नाम सौरभ कुमार है जैसे मैंने पहले बताया। तो सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं, मैं एक अनमैरिड लड़का हूँ, मेरी एक फीमेल पार्टनर थी जो 12 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरे लिए वो एक माँ, एक बहन, एक पत्नी और एक सच्चा फ्रेंड थी। हम दोनों के बीच इतना प्यार था कि मानो शब्दों में मैं बयां करने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ मुश्किल है, यानी कि उनके पास में कुछ शब्दों में बयां करने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है। आज मैं इतना टूट चुका हूँ कि मन से हर तरह के सवाल आते हैं कि मैं अपने जीवन भी समाप्त कर लूँ। रात दिन रो रो कर गुजर रहा है मेरे लिए दुर्गा थी। मन बहुत उदास था और बहुत तकलीफ में रहता है। मन बेचैन होता है तो कृष्ण भगवान की वीडियो देख लेता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जीऊँ या क्या किया जाए। तो देखिए, बहुत ऐसा उनके जो सवाल हैं, बहुत सारे इसमें सवाल हैं। उन्होंने, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ पूछा नहीं है कि मैं इस पर कोई रिप्लाई करूँ, कैसे करूँ। लेकिन देखिए, मैं वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पीड़ा है, अगर वो पीड़ा बहुत लोगों की पीड़ा है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से पिक कर लेंगे। इसमें देखिए, सौरभ जी ने बिल्कुल भी नहीं पूछा, बस अपनी स्टोरी शेयर करी। तो मैंने खुद से कमेंट जब मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा कोई करुणा आई कि ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। अगर मेरे 4 वर्ड से अगर इनको कोई भी मदद मिलती है तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है आप लोगों की मदद करना।
अगर मैं इसके प्रति भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि डेली 50 से 100 लोगों को ऐसा ठीक किया जाए जो इस तरह की पीड़ा से, सफरिंग से अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा कर चुके हैं या ऐसे अंधकार में चले जा चुके हैं जिसका पतन का कोई नाम भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा इनका जो अंधकार है उसके पतन करने की और उनको कुछ बताने की कि वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो भी इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, बिल्कुल हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम इससे निजात पा लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी अपनी पीड़ा के प्रति रह जाओगे तो देखिए सफरिंग बढ़ती ही जाएगी। अब जैसे कि उन्होंने पूछा है कि उनकी एक फीमेल पार्टनर थी और उस फीमेल पार्टनर को एक नहीं बल्कि 4 से 5 रिश्तों में देखते थे। देखिए आप में से तो किसी ने अपना हस्बैंड खोया है, किसी ने अपनी वाइफ को खोया है, लेकिन जैसा इन्होंने लिखा उनके लिए वो उनकी वाइफ भी थी, उनके लिए उनकी माँ भी थी, उनके लिए उनकी बहन भी थी, उनके लिए उनकी फ्रेंड भी थी और जो भी दूसरे रिलेशन थे, जो भी हो और बयान ना कर पाए। आपके लिए बहुत आश्चर्य होगा कि ये किस तरह का सवाल है और उन्होंने किस तरह से लिखा है, लेकिन मैं इसको फील कर सकता हूँ, उसको मैं देख सकता हूँ कि जब किसी व्यक्ति के साथ में आपकी बाउंडिंग ऐसी बन जाती है कि उसको आप अपना दोस्त, अपनी माँ, अपना बाप, अपना बहन, मतलब हर रिश्ते में देखना स्टार्ट कर देते हो, तो देखिए वो रिश्ता इतना मजबूत हो चुका होता है कि आप उससे हर तरह की बात कर सकते हो, हर तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जब इतना इम्पोर्टेंट पर्सन या व्यक्ति हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है, तो देखिए आप लोगों ने तो एक व्यक्ति को खोया है, चाहे अपनी वाइफ के प्रति, चाहे अपने हस्बैंड के रूप में, लेकिन इस तरह के व्यक्ति ने उसको 5 व्यक्ति के रूप में खोया है जिसको वो देखता था, परखता था। अब ये इतना डिफिकल्ट है, और इसके साथ साथ में मैं इसमें ऐड भी करना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि वो अनमैरिड है। दरअसल ये मैटर नहीं करता कि वो अनमैरिड है या मैरिड है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो रोचक हो सकती है, जहाँ तक मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि देखिए हो सकता है कि वो इनका ये ऐसा रिलेशन हो इन्होंने किसी को ना भी बताया हो, क्योंकि हमारा समाज उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो समाज में अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक्सेप्ट करेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अभी हम इतने डेवलप होने का बोलते हैं, हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन फिर भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये इनका रिलेशन ऐसा था कि इन्होंने समाज के प्रति भी नहीं बताया ओपनली, तो मैं ये भी जानता हूँ, देखिए उसी हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इनके पास में 1 या 2 सदस्य ऐसे होंगे जिसके साथ में ये सब कुछ डिस्कस करते होंगे। वरना आज जैसे उन्होंने कहा है कि रो रो कर, घुट घुट कर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, पूरे लाइफ में अंधकार आ चुका है, जीने का मतलब नहीं करता, उसकी वजह सिर्फ यही है कि देखिए उनको कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल वैसे भी ये भी एक बात होती है कि ऐसे व्यक्ति की कोई सुनता नहीं है, लेकिन बस सुनाते सब हैं कि आप आगे बढ़ जाइए, उनको भूल जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। अगर इनकी लाइफ में ऐसी विडंबना होगी कि ये किसी को बता भी नहीं सकते और इससे आगे भी नहीं बढ़ सकते, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफरिंग से अपने आप को गुजार रहे होंगे और इनकी जो पूरी स्टेज वो चल रही होगी। आप ऐसा देख लीजिए कि ये किसी एक पर्पज के लिए आए थे पृथ्वी पर, लेकिन जब इन्होंने किसी पर्सन को ही सब कुछ मान लिया और जब वो पर्सन हमेशा के लिए इनके पास से चला गया, तो इसके बाद में इनकी जो सफरिंग का लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल सच्ची बात लिखी है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें आपके सामने शेयर करूंगा उनका मतलब सिर्फ इतना सा ही होगा कि मैं चाहता हूं कि आप समझो, देखिए वो पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया, एक माँ भी बन के दिया, एक बहन भी बन के दिया, एक फ्रेंड भी, एक वाइफ भी, लेकिन उससे हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप उनको भूल जाओ, देखिए बिल्कुल मत भूलिए, उन्होंने जितना भी आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, उसके लिए धन्यवाद कीजिए उनका, और अगर आप उनका धन्यवाद करेंगे वही आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको मजबूती देंगे आगे बढ़ने के लिए। और देखिए इसके साथ साथ में अगर आपको कोई गलत भी ख्याल आ रहा होगा कि मैं इस जीवन का अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है, आप जिसको इतना प्यार भरा बोलते हो, जितना रूप में उनको देखते हो, अगर ऐसा आप करोगे तो उनके साथ में आप नाइंसाफी कर रहे हो, उनके साथ में आप बहुत गलत करोगे। जब भी आप जाओगे यहाँ से आप नीचे गिरोगे, वो ऊपर रहेंगे और आप नीचे गिरोगे। उनकी डेथ कैसे हुई, क्या गए, मुझे ज़्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन जैसे भी वो नेचुरली गए होंगे जितना मुझे पता, अगर नेचुरली वो गए हैं या एक सुसाइड के माध्यम से उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया है, तो देखिए उनकी सफरिंग बहुत बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग बनकर यहाँ पर कदम उठाने चाहिए, और जैसे भी अगर वो नेचुरली गए हैं तो उनके लिए प्रे करनी चाहिए कि वो आपको स्ट्रेंथ दे, अगर उन्होंने अप्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा किया है अपने साथ में, क्योंकि ऐसे रिलेशन में अक्सर ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ, तो प्लीज़ करके उनके लिए इतनी प्रेयर कीजिए, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए। और अगर ऐसा भी ना कर सके
कम से कम अपनी लाइफ में ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि जब भी आप उनसे मिलो उस वर्ल्ड में जाके तो आप ऊपर ना देख सको, आपकी आत्मा अपने आप को ऐसी जगह पाए, इतनी नीचे पाए कि आपका कोई मतलब ही ना हो सके। क्योंकि ऑलरेडी जो हुआ वो चेंज नहीं हो सकता, वो पास्ट हो चुका है। लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर है जो प्रेजेंट है उसको दूसरे हिसाब से जी सकते हैं, सह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में कुछ और भी मेंशन करना चाहता हूँ, कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले एक लड़की की आइडेंटिटी मैं यहाँ पर ओपन नहीं करने वाला था, रिवील नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे एक व्हाट्सअप आया था, मेरी टीम ने मुझे बताया था दरअसल पूरी उनकी स्टोरी सुन के। तो उनकी भी स्टोरी भी कुछ इस तरह से ही थी। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मुझे एक व्हाट्सअप आया था, मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे बताया कि उनकी भी कहानी कुछ इस तरह से ही थी। और बेचारी एक लड़की है, उनका क्या सीन है कि उन्होंने एक दूसरे लड़के का यानी कि दूसरे कम्युनिटी का या यूँ कहूँ कि दूसरे रिलीजन के लड़के से शायद उन्होंने प्यार कर बैठे। और जब पहले उसके बाद में जब उनको बहुत सारी सफरिंग आई इस समाज की वजह से, उनके घर की वजह से, तो उस लड़की ने उस लड़के को छोड़ दिया। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि वो लड़का उसको बोलता है कि आपने मेरे साथ में गलत किया, अब आपके साथ में ऐसा होगा, आप ऐसे भरोगे, आपको इन सारी चीज़ों का होगा। देखिए उस लड़का अपनी जगह सही है, अगर सच में वो आपसे प्यार करता होगा और अगर आपने सच में उनको इस तरह से डिंच किया है जैसे कि आप वर्ड यूज़ कर रहे थे, या आपने उनको छोड़ दिया है, तो देखिए बिल्कुल ये एक तरह से उनको तोड़ने वाली बात है। तो उनके अंदर से अच्छी वाइब्रेशंस तो आपके प्रति नहीं आएंगी, आप उनका दिल भी दुखा होगा, तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट ही नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा होगा। लेकिन अक्सर ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए उसके पीछे भी रीज़न रहता है। जैसे कि आपके पीछे रीज़न है कि आपके फैमिली मेंबर या आपकी कम्युनिटी या आपके रिलीजन वाले जो भी हैं वो उस बात को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और विवाद बढ़ेगा। तो देखिए आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि इसके प्रति आप आगे चल के ऐसी स्टेज बन जाए, ऐसा सब कुछ हो जाए कि आपको एक अपना ऐसा कुछ कदम उठाना पड़े जिससे कि आपका पूरा जीवन तबाह हो जाए, जैसे कि सुसाइड का माध्यम हो या कुछ तरह का भी हो। तो उससे पहले अगर आज आपको एक गलत कर्म कमाने का मौका मिल गया इसके माध्यम से, अगर उनका दिल दुखा है दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा हो जाएगा, उस पिस से भी आप ओवरकम कर लोगे, नेचर जानता है क्योंकि आप गलत नहीं हो। लेकिन इस समाज के प्रति जब आप इन सारी चीज़ों से फेस करोगे और आप कमज़ोर पड़ जाओगे और आप सुसाइड कर लेते हो या इस तरह की दूसरी चीज़ें कर लेते हो तो ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आप उस स्टेज में नहीं हो, आज इसी स्टेज से बच गए हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। प्लीज़ इसको कभी भी गलत मत समझिएगा कि वो आपको इस तरह से महसूस करा रहे हैं कि आपको पाप लगेगा, कर्म आपके सामने आएगा इस तरह से। देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, कर्म आएगा तो आने दो, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी देखिए कि आगे चल के चाहे उनके समाज वाले आपको मार देते या आपके समाज वाले उनको मार देते या आपस में आप खुद मर जाते, उससे अच्छा है कि अभी अलग हो जाओ। देखिए मैंने इस वीडियो के बीच में इनकी स्टोरी क्यों मेंशन करी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं उनका भी जवाब दूं। और मेरे लिए हर एक व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो भी मुझसे रीच आउट करने की कोशिश करता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका नाम है आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए आपके नाम को हाइड करके रख रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मैं इसमें डाल सकता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो देखिए जो भी आप हो, आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हो कि अभी जो हुआ ठीक है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं फिर से बैक टू द टॉपिक आता हूँ, जो सौरभ कुमार जी ने जिस सफरिंग से वो झेल रहे हैं। तो देखिए इस तरह के उनकी जो कहानी है वो ऐसा कोई रिलेशन होगा जिसको पब्लिकली वो ला भी नहीं सकते, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ उनका और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से अपनी कहानी को शेयर किया। और मैं आभारी हूँ उनका कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो भी बना रहा हूँ। और आप लोग भी जितने भी लोग हो इस तरह के रिलेशन में जी रहे हो, जो भी इस तरह की सफरिंग में हो, तो प्लीज़ उसको वर्कआउट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है बस आप उनसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ या सुधारनी चाहती हूँ। अब जो हुआ वो हुआ, वो पास्ट हो चुका है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए हमें बस ये देखना है कि उनके लिए प्रे करनी है, वो माफ़ी दें ना दें अगर आपने सच में कुछ गलत रहा है। क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि इस तरह के रिलेशन में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बनती हैं, तो मैं हर एक अंश को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर लीजिए,
बाकी नेचर बहुत सुप्रीम है, वो आपको हमेशा माफ कर देगा, लेकिन आप खुद में ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, सफरिंग बढ़ती जाएगी। रिग्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप बिल्कुल मस्त रहिए। मैं जानता हूँ मस्त रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल आपको कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो 4 साल 5 साल बाद जब आप अपनी पूरी लाइफ को, अपने पूरे मकसद को खो दोगे, एक ऐसे अंधकार में चले जाओगे जहाँ से आपको लौटने का मन नहीं करेगा और बस आपको मन करेगा कि कैसे करके जीवन खत्म करना है। तो देखिए, उस अंधकार में मैं नहीं चाहता कि आप जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन बातों को समझ के, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं, जो भी विडम्बना है, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, उसको एक्सप्रेस कर सको। मैं आपको पर्सनली इन्वाइट करता हूँ, जो भी आप हो सौरभ जी, हमारा एक स्क्रीन पर नंबर मिलेगा आपको 7895591900 पर, आप अपनी डिटेल को व्हाट्सअप करो, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ इस रिलेशन में। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे कुछ चार्जेस रहते हैं जैसे आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो आप जैसे व्हाट्सअप करते हो तो मेरी टीम मेंबर आपको अवगत कराती है, तो हमारे कुछ चार्जेस रहते हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सौरभ जी आपके लिए आपकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ, ताकि आप कल को कोई गलत कदम ना उठा लें और आप ऊपर उठ जाओ, जैसे भी आपका पहला जीवन था उसके प्रति आ जाओ। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस तरह की सफरिंग में हो। देखिए, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैं इस तरह से जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपकी जो सफरिंग है मुझे ऐसी लगी कि इसमें बहुत ज़्यादा दुख है, और मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन भी काफ़ी पुराना होगा, और जब इस समय कोई हमारा पार्टनर हमसे छोड़ कर जाता है तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार अपनी डिटेल को व्हाट्सअप कर दीजिए और मेरे साथ में अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। मैं आपकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ, जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं आपसे बहुत कुछ ले लूँगा, मांग कर ले लूँगा, लेकिन अभी मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अभी आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा नेचर चाहिए, और जैसा आप पहले थे ऐसे हो जाओ। और इसी तरह से जो दूसरे लोगों का दुख है जो हमारे साथ उसको बांटना चाहते हो, तो आप भी अपनी कहानी को लिख करके व्हाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अगर मुझे ऐसा लगा कि आपका भी दुख ऐसा ही है और सच में आप उससे सफर कर रहे हो, तो मैं आपकी भी फ्री में काउंसलिंग करूंगा, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मेरा वादा है। लेकिन अन्यथा दूसरे लोग जो भी हैं, देखिए, आप छोटा सा अमाउंट पे करके अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, अपनी चीज़ें जो पहले से आप सफ़र कर रहे हो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आइए। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बिजनेस की बात हुई, तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बिजनेस की बात हुई और होगी और रहेगी, क्योंकि हम भी लोग हैं, हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारे टीम मेंबर उसको भी पड़ती है, हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, तो बहुत सारे खर्चे रहते हैं, तो हम उनको कराने के लिए भी चाहिए। कोई भी यहाँ पे फ्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और हर एक समय की, हर एक वैल्यू की, और हर एक एनर्जी एक्सचेंज की एक वैल्यू होती है, तो इसी के प्रति हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, हम आपसे इतना नहीं ले रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए आपसे ऐड के यहाँ से जाने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपकी भी कोई पीड़ा है तो प्लीज़ बेफिक्र होकर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी जो भी सफरिंग है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में सौरभ जी, मैं फिर से कहना चाहूँगा, देखिए, आपका दुख बहुत बड़ा है, इसको कोई नाप नहीं सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ, बट स्टिल चाहता हूँ कि प्लीज़ उस लोग के बारे में, जिस लोग के बारे में आप एक गाने के माध्यम से बताना चाहते हो कि वो कौन सा लोग है, लास्ट के मेरे वर्ड हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। देखिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी हर वीडियो उस लोग के बारे में रहती है, वो लोग बहुत सुहाना है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और जहाँ भी वो हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप परेशान मत होइए, अपना टाइम लीजिए, उनको याद कीजिए, कभी भूलने की कोशिश मत कीजिए, जब भी हो सके उस सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके उनके लेयर से बाहर आइए, और धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में पहले की तरह आ जाइए। अगर नहीं आ सकते, जैसे मैंने बताया, आपको इनवाइट किया है फ्री काउंसलिंग के लिए, मैं आपको बताऊंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा, आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी नाउ, सो मैं चाहता हूँ कि आप भी खुश हो जाओ। और वो लोग, वहाँ से चिट्ठी नहीं आती, संदेश आते तो हम मान नहीं पाते, हमारा जो चेतन मन है वो उसको मानने नहीं देता, तो बहुत दुख की बात है, लेकिन वो लोग के जो भी वासी हैं, जो भी आत्मा हमारे रह रही हैं, वो बहुत खुश हैं, इतना मैं आपसे बोल सकता हूँ। प्लीज़ कभी भी प्रे करना मत भूलिए, अगर आप मेरे से अपनी डिटेल शेयर करोगे, काउंसलिंग कराओगे, तो मैं आपके साथ में बहुत सारी चीज़ों को शेयर करूँगा कि कैसे करके आप उनको भी मदद करोगे, खुद को भी मदद करोगे, और इस जिंदगी को जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हो उस मकसद को उसी तरह से जियोगे। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ हमें
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप में से जो भी 100 लोग वीडियो को देखते हैं, 80 लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस 20 लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सेवा में ही मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो देखिए हम भी हार जाएंगे। हमें आपसे जब भी इस तरह से आप कुछ करते हो तो प्रेरणा मिलती है। कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पेन भी इतना बड़ा है जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो वीडियो भी बड़ी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी जो बोरिंग बातें रहती हैं, इनको प्लीज अपने आप में समझ लीजिएगा और इनको झेल लीजिएगा। इनसे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, मैं ये चाहता हूँ। रियल टाइम में आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।